लोग 24 घंटा जो है पैदल चल चुके हैं। अच्छा, अभी तक में साहब। और यहाँ से आपको अंदर जाने नहीं दे रहा? नहीं दे रहा साहब, बॉर्डर के पार नहीं जाने के लिए दे रहा साहब। वो सीधा प्रशासन सीधा बोल रहा है अपनी गाड़ी करके आप जा सकते हो, अपनी गाड़ी के बिना आपको नहीं जाने देंगे। हमारे पास पैसा नहीं है सर, हम कहाँ से जाएंगे अपनी गाड़ी करके, खाने के लिए भी नहीं है सर। ये जो कार जो जाती है मारुति, उसमें जो है 300-500 रुपया लेता है यहाँ से प्रत्येक आदमी से, और वहाँ जाकर को छोड़ देता है। और मतलब कार में आप पार कर लो, लेकिन पैदल पार नहीं कर? नहीं साहब, जाने के लिए नहीं दे रहा है। जाने के बाद वहाँ गाली गुप्ता भी देता है हम लोग अपना। पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, सरकार के जो वादे थे, सरकार के जो आश्वासन थे, वो सब इन्होंने देख लिया है। ट्रेनों की कोशिश की, बसों की कोशिश की, हर वादा टूटता सा जा रहा है। लोग मुनाफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर आपने टेस्ट करा है? सब कुछ है हमारे पास, पूरा सबूत है साहब, देख लेगा साहब, सब कुछ देख लीजिए सब, सब कुछ है। प्रवासी मजदूरों के चिकित्सा जांच स्थान चीनी मिल, क्या आपका वहाँ जांच? जी साहब। और किसी को बुखार वगैरह नहीं था? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं साहब, हम 6 लड़का वहाँ पे, सबका फिट जी साहब, सब कुछ हो गया। मेरा आज ही हुआ है सर, ये आज ही चेकअप हुआ है। मैंने उनसे बात की कि सर मेरे पास तो सब सबूत है, मैं तो चेकअप करा के आया हूँ, अब देखिए कि भाग जाए यहाँ से, बहुत मारूंगा तुझे। मैं सिलाई का काम करता हूँ, मेरा 2.5 महीने से काम बंद है सर। प्रवासी मजदूरों की जो त्रासदी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज रात में हम दिल्ली में निकल रहे हैं और ये पा रहे हैं कि लोग बॉर्डर तक जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश उनको घुसने की इजाज़त नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस वही कठोरता से खड़ी हुई है। एक ट्रक में कम से कम 100 बंदे भर देते हैं, जो ट्रक में आप भी समझ सकते हैं सर, 20-25 बंदे बहुत हो गया। जिसमें 100 ले जाइएगा, 25 ले जाइएगा, 50 ले जाइएगा, मुश्किल है। उससे मांगते 1500-2000 रुपये किराया देना पड़ता है तो आप क्या करें, मजबूरी में लोग जिसके वहाँ दे के जाता है, नहीं तो पैदल ही चल रहे। कितना हम लोग के पास 1 रुपये नहीं, पैदल ही चलेंगे ना। अभी पुलिस वाले मार रहे डंडे भगा रहे, बोल रहे कुछ नहीं होने वाला। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लोग बता रहे हैं कि फैक्ट्री के मालिकों ने उनको पैसा आज तक नहीं दिया है, जितना उनके पास बचत थी आज तक उसको इस्तेमाल किया है। पूरा दिन लाइनों में खड़े होकर खाना खाया है, कब तक इस तरह की ज़िंदगी वो जी पाएंगे? हर मज़दूर अपने परिवार के साथ अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है। उनकी बातों को सुन के बेहद शर्मिंदगी के अलावा हम क्या महसूस करें कि हमने किस तरह का की सरकार, किस तरह का समाज अपना बनाया। 2 महीने से बैठे, कंपनी चल नहीं रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है खाने के पीने के, लास्ट में जब ख़त्म हो गया पैसा तो चल दिए घर पर। बहुत दुखी हो गए हैं सर हम लोग, क्या करें। यूपी प्रशासन अंदर घुसने नहीं देते हैं, गालियां देने लगते हैं, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं। यूपी के लिए कोई बस ही नहीं चलाई।